पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने किया प्रेस वार्ता, कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण भी होना चाहिए। अन्य राज्यों में है लेकिन झारखंड राज्य में नहीं है। इसे लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से अपील किया है कि विधानसभा में इस मामले को उठाए और ओबीसी आरक्षण दिलवाने का काम करे। यदि ऐसा नहीं होता है और आरक्षण नहीं मिलता है तो हम होने वाले पंचायत चुनाव का, पूरे जिले के ओबीसी समाज पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं और इसके लिए आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होंगे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर राज्य में ओबीसी का पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी है, लेकिन झारखंड एक भारत देश में राज्य है जहां ओबीसी का किसी तरह के आरक्षण यहां पर नहीं किया गया है। और जो भी पंचायत चुनाव में त्रुटि हुआ जो रोस्टर में, हम चाहेंगे सरकार से और चुनाव आयोग से कि इसको त्रुटि के दूर कर, जो हम लोग को 27% आरक्षण है उसको ख्याल रखते हुए हम लोग के हिस्सेदारी दें और तब पंचायत चुनाव कराएं। और जो हमारे सम्मानित विधायकगण हैं पलामू जिला के, उनसे हम आग्रह करेंगे जो 25 तारीख से सत्र है ओबीसी का मामला उठावें और हम लोग का जो हक अधिकार की बात है गंभीरता से उठावें, या फिर नहीं उठाते हैं तो हम लोग विधायक के खिलाफ भी हम लोग मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि ओबीसी की बात करते हैं ओबीसी के कोटा से जीत के जाते हैं और वहाँ पर जाके चुप हो जाते हैं। आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि पंचायत चुनाव में हम लोग को ओबीसी का बराबर का हकदारी मिले। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे कि अपना हक की बात कर रहे हैं। नहीं होगा तो क्या इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? अभी नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में दायर करेंगे 2-4 दिन के अंदर। पलामू जिला ओबीसी मोर्चा किसी दल का हम लोग नहीं है। उसके बाद चुनाव का हम लोग सीधा सीधी बहिष्कार करेंगे कि कोई भी ओबीसी समाज हम लोग वोटिंग करने नहीं जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। हम लोग डीसी के समक्ष हम लोग धरना देंगे कि ओबीसी की जब तक मांग नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं कराया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।